सोनभद्र में शक्तिनगर स्थित एनसीएल व एनटीपीसी की भूमियों पर अवैध कब्जों को नियत तिथि व समय अनुसार प्रशासन एनसीएल व एनटीपीसी के अधिकारियों के समक्ष शुक्रवार को एनसीएल के अंबेडकर नगर व एनटीपीसी के भवानी नगर में अवैध बस्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। शुक्रवार सुबह 10 बजे से ही क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर चहल पहल शुरू हो चुका था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में आधा दर्जन से अधिक दरोगा के सहित सैकड़ों पुलिस व सुरक्षा कर्मियों के साथ अंबेडकर नगर रेलवे लाइन से सटे अवैध बस्तियों को हटाया गया। इस दौरान किसी प्रकार का कोई विरोध देखने को नहीं मिला। एनसीएल खड़िया के राजा राम यादव के अनुसार कुल 21 अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। क्या कुछ कार्रवाई थी सर? और एनसीएल और एनटीपीसी दो चीज़ें हैं। एनसीएल खड़िया में एनसीएल से लगभग 11 लोगों को हटाया गया है। क्या ये कोर्ट का आदेश था या क्या था? और 21 जो खड़िया में है उसमें 21 लोगों को हटाया गया है। पीपीएफ का आदेश था जो उनके यहाँ से स्टेट अफसर करता है और उसके संबंध में कोई भी मतलब पीपीएफ के विरुद्ध में कोई भी कहीं भी किसी भी अपील भी नहीं की गई थी, इसलिए वो आदेश कहीं भी माना और उसी के आधार पर जाना है क्योंकि डेवलपमेंट वर्क जो है इसी आधार पर रोका नहीं जा सकता। इसी आधार पर जो है कार्रवाई की। एनटीपीसी में पीपीएफ की ही कार्रवाई हुई थी और उसके बाद जो है जो कुछ लोग उसमें जो है ईडी के साथ अपील में गए थे, लेकिन चूँकि सरकारी जमीन है एनटीपीसी में जो है केंद्रीय एसयू है तो उसका जो जमीन उनके पास लीज में है तो उसको किसी तरीके का कोई भी किसी का क्षेत्र का हक नहीं मिलता, इसलिए उनकी अपील में खारिज कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने प्रयास किया, एनटीपीसी के अधिकारियों ने भी प्रयास किया और कुछ इनको सुविधा शुल्क इस बात में कि यहाँ से शांतिपूर्वक चले गए, इस बात का दिया गया। और इसी कितने लोग हैं सर यहाँ एनटीपीसी के? अभी वैसे तो जब लिस्ट बनाई गई थी पहली बार तो 68 परिवार थे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो सुविधा शुल्क दिया है 145 लोगों को दिया है। अगर एक आध नंबर इधर उधर मिल सकता है यही है कि अब इतने ही लोगों को अब चूंकि कार्रवाई बहुत समय से चल रही थी, कोई तो मौसम रहेगा ही हर समय, कभी गर्मी बहुत, इससे पहले अगर कभी तो गर्मी थी चिलचिलाती हुई थी, कभी परेशानी होती, सर्दी होती तो बहुत ज़्यादा होती, कभी बरसात का बहुत शुरुआती दौर, और चूंकि बहुत समय दिया गया है बार बार वार्निंग के बाद करीब 3 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है कि आपको समय दिया जा रहा है, आप अब मोस्ट ज़्यादातर लोगों ने जो है बैकल की व्यवस्था कर ली है, उस तरीके की दिक्कतें नहीं है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी हम लोग उसको निपटने के लिए तैयार। सर आज शक्तिनगर क्षेत्र में 2 जगह बुलडोजर की कार्रवाई हुई, किस तरीके से था सब क्या कुछ था? आज शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एनसीएल खड़िया की भूमि पर जो विगत 20 वर्ष से अवैध कब्जा करके लोग रह रहे थे उनको उनके 21 घर चिन्हित किए गए थे पूल से, जिनको खाली कराया गया था। और एनटीपीसी शक्तिनगर की विस्तारीकरण योजना के तहत भवानी नगर बलिया नाला पे 800 मेगावाट यूनिट की 2 योजनाएं लगाई जानी है, उनके लिए अपनी मशीनरी को रखने के लिए यहाँ पे भूमि की आवश्यकता थी, इसके बारे में पूर्ण से ही सभी कार्रवाइयाँ की जाती थी, तब पर नोटिस निर्गत किया गया था। और इसके तहत आज पूरे थाना पूरे ज़िले में 6 थानाध्यक्ष और 25 सब इंस्पेक्टर, 30 महिला कांस्टेबल, 2 प्लाटून पीएसी, इस तरह लगभग 175 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में और एसडीएम विधि के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया और सुचारू रूप से किसी तरह का सर व्यवहार अभी तक की कार्रवाई में किसी तरह से कोई किसी तरह का भी कोई व्यवहार सामने नहीं आया और इसको हमने सफलतापूर्वक करा दिया।